बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल मालिक है। तो आज हम आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके आए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, हाँ पता है, क्योंकि यार लॉकडाउन लग गया था सिटी में, तो कुछ जगह नहीं थी एक्सप्लोर करने के लिए। और जो घर के ब्लॉग्स होते हैं, मतलब डेली लाइफ के, वो थोड़े बोरिंग बोरिंग लगते हैं। तो हमने वैसे भी आपको इंटरटेन करना है, तो आज इंशाल्लाह ताला हम कराची जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जाने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि हम जो जो जा रहे हैं सारे वैक्सीनेटेड हैं। तो जो वैक्सीन जिसके नहीं हुई भी, तो उसको वहीं टूल प्लाजा है जो बीच में जाम शोर हो गया, वहीं से उसको वापस हैदराबाद की तरफ भेज देते हैं, कराची के रूट पे नहीं आने देते। तो हम सब वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। तो आप भी घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। तो अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं, हमारा ये इरादा था कि हम इंशाल्लाह 8 बजे तक निकलेंगे। तो अभी बस 8 बजने में 10-15 मिनट रह गए, तो बस 10-15 मिनट बाद हम निकलते हैं। बाकी आपको बताता चलूँ, कराची में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, हैदराबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है, मतलब खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, जैसे पर वहाँ पे डाइनिंग नहीं है, टेक अवे। तो कराची में भी यही सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा, वो मंडे से खुलेगा, पर आज है सैटरडे। तो आज देखते हैं वहाँ पे क्या सीन्स हैं। यहाँ तो सीन्स बड़े ख़राब हैं, क्योंकि सब दुकानें बंद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, तो बस फूड आइटम्स खुले हुए हैं। तो वहाँ चल के अब चेक करते हैं कि वहाँ के क्या सीन्स हैं। तो अभी बस टाइम होने वाला है, बस 5-10 मिनट में इंशाल्लाह निकलते हैं। टेक केयर। A place where you can run free, time does not exist, take a chance, when the world before us falls under our feet. कराची, ये कराची का मेन इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको रंगी कहते हैं। तो इधर मैं आया था, थोड़ा काम था इधर। तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप बंद है, क्योंकि सुबह का टाइम है, तकरीबन 11:30 होने वाले हैं। तो आज तो वैसे इधर भी गर्मी नहीं है, पर हैदराबाद में तो फिर भी धूप निकली हुई होती है, इधर धूप भी नहीं है बिल्कुल भी। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे पहले मैं पिछली बार कराची जब आया था तो काफ़ी गर्मी थी, आज इतनी गर्मी नहीं है। तो मौसम अच्छा हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, मज़ा आ रहा है, पर सारी शॉप बंद है, बंदा कहीं घूम ही नहीं सकता, बस यहीं जहाँ वहाँ बस गाड़ी में कितना घूम लेगा, कोई डाइनिंग ही नहीं है हर जगह। अभी 2-3 जगह पता किया, सब जगह बंद थी, बल्कि जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC, वो भी ज़्यादातर वहाँ पर डाइनिंग नहीं है और बंद पड़ा था, वो एक दो जगह हमने देखा। तो अभी देखते हैं कुछ सिस्टम करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं, क्योंकि फूड के बगैर तो ब्लॉग अधूरा है हमारा, तो फूड ही हमारे ब्लॉग की जान है। तो वेट करें इंशाल्लाह ताला, थोड़ी देर में कहीं चलते हैं, फूड को डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे होता है कि यहाँ पे भी फूड वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, पर यहाँ पे सब कुछ बंद है, और मतलब टेक अवे का फायदा है, टेक अवे तो मज़ा ही नहीं आता। तो वाइफ भी डाइनिंग की होती है, तो कराची दिल तोड़ दिया तुमने आज। I love it.
टाइम हम आ चुके हैं सीबीयू के ऊपर। तो इधर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है क्योंकि सामने समंदर है और काफी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे। मैं समंदर पे सीबीयू पे थर्ड टाइम आया हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि हम यहाँ आते थे कराची तो पास रोड से गुजरता जाते थे। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम फारिग हैं तो एक चक्कर सीबीयू का भी मार लें। तो काफी अच्छा माहौल है यहाँ का, काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। जो सारे जो मतलब आने का जो हम आए ट्रैवल करके वहाँ से अपने कराची के शुरू में से, तो हमने वहाँ पे काम था। तो अभी यहाँ तक आने में कम से कम 1 आवर लग गया हमें। तो सारे जो गेम थी वो है हवा की गेम है। क्या मजे वाली हवा, यकीन करें बेहतरीन हवा है, इतना मजा आ रहा है। ये बहुत अच्छी हवा है, मतलब ऐसी है, ये हवा तो कम ही देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे समंदर पास है। तो इधर से हवा बहुत अच्छी आती है क्योंकि पानी है, जाहिर सी बात है सबको पता है। तो VIP गेम है, मतलब बहुत मजा आ रहा है, टीम बड़े जबरदस्त है यहाँ। तो अभी हमने देखा था कि आगे से आएंगे तो दीवार खत्म हो जाती है वहाँ पे, तो दीवार से कूद नहीं सकते थे, पानी बिल्कुल आगे था, इधर दीवार नहीं थी। तो अब हम इधर आए हैं सीबीयू पे, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या सीन है। बाकी पानी भी काफी ज्यादा अच्छा है यार, पर मसला ये लोगों ने यहाँ पे देखो प्लास्टिक इतनी फेंकी हुई है आगे, आप देखें शॉप पर कचरा। आप आए यहाँ पे जरूर आए, पिकनिक पॉइंट है, बहुत अच्छा बंदा आए यहाँ पे, पर सफाई का जरूर ख्याल रखें क्योंकि आपका अपना ही मुल्क है, अपनी मुल्क को आप गंदा कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। आए तो साफ करें और अपना सामान साथ ले भी जाए। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे सीबीयू पे, तो यहाँ पे हवा काफी अच्छी है। तो समंदर का जो पानी है वो सुनने में आया है काफी बार वहां तक ही आ जाता है जहाँ पे दीवार है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि बेशक अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो पानी को गले पीछे कर दे, वो अल्लाह के आगे कुछ भी कोई चीज नामुमकिन नहीं है, अल्लाह सबका मालिक है बेशक। तो अल्लाह की कुदरत देखें, कभी पानी आगे आ जाता है तो कभी बिल्कुल पीछे चले आता है। आजकल बोल रहे हैं कि पानी का जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा फिक्स हुआ हुआ है, वरना जैसे ज्यादा जब इसका बहाव होता है तो ये बिल्कुल दीवार को मतलब दीवार से भी आगे चले जाता है, मतलब जहाँ लोगों के घर बने हुए वहां तक आ जाता है ये। तो पीछे वो देखें बिल्डिंग बनी हुई क्रिप्टन की, वो वहां भी बनी हुई है पीछे, तो ये शायद वो वहां भी सारी बनी हुई है, ये बिल्कुल समंदर के साथ बनी हुई है उसके ऊपर। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, इंशाल्लाह ताला जल्द हम उसको भी कवर करेंगे जो बिल्कुल समंदर पे है, उसका नाम मेरा ख्याल कोलाची है, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी तो रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द आपको हम कवर करेंगे कोलाची रेस्टोरेंट। अब आप देखें जहाँ तक आप देखेंगे आपको पानी पानी नजर आएगा, एंड तक भी देखेंगे ना पानी नजर आएगा, देखें जूम करते पानी पानी और कुछ नजर नहीं आ रहा बिल्कुल पानी। अब हमें ये नहीं पता कि पानी ये वाला हिस्सा कहाँ लगता है, पता करके बताएंगे आपको एंड में। ये देखें ये पानी आ रहा है, इसके साथ टॉपर आया कहीं से, वो देखो टालिया था रेपर बम्बई टालिया, वो देखें ये क्या चीज है प्लास्टिक। अब ये खाती है फिश और फिश को हम खाते हैं, तो एक अच्छा है किसके पेट में आया, खुद आप ध्यान लगा के आपको इतना तो आप समझ सके होंगे कि ये किसके फिर आता है, हमारे नहीं आता है, रिसाइकल हो गया एक तरह से कैन, जिसको
जो हम चीज़ खराब करते हैं वो उलट हम पे ही आती है, तो तभी तो इतना फिर इंसानों का नुकसान होता है।